बीच जशपुर से बड़ी खबर, जहां आसमानी बिजली की चपेट में आई 9 महिलाएं। आपको बता दें कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 7 महिलाएं झुलसी हैं, इलाज जारी है उन सभी का। 3 महिलाओं को अंबिकापुर अस्पताल भेजा गया है। तो जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जशपुर से ये बड़ी खबर, आसमानी बिजली की चपेट में 9 महिलाएं आई हैं। आपको बता दें कि 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, इनमें से तो 7 महिलाएं झुलसी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 3 महिलाओं को अंबिकापुर अस्पताल भेजा गया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जशपुर से बड़ी खबर, आसमानी बिजली की चपेट में आई 9 महिलाएं। आपको बता दें कि 2 की मौत हो गई है, तो बाकी की 7 महिलाओं के झुलसने की खबर है, सभी का इलाज जारी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि 3 महिलाओं को अंबिकापुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं ये पूरा मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से कहर देखने को मिला है, जहां 9 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आई हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से। वहीं 7 महिलाएं झुलसने की खबर है 7 महिलाओं के, और सभी महिलाओं का इलाज जारी है। 3 महिलाएँ गंभीर हैं, जिन्हें अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 2 महिलाओं की मौत, 7 महिलाएँ झुलसी, 3 महिलाओं को अंबिकापुर अस्पताल भेजा गया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर जशपुर से है, आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला, 9 महिलाएं आसमानी बिजली की चपेट में आ गईं, 2 महिलाओं की इस हादसे में मौत हो गई है, 7 महिलाओं के झुलसने की खबर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं 3 महिलाएं अंबिकापुर अस्पताल रेफर की गई हैं, जहां पर उन्हें उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, जिसके चलते उन्हें अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी जशपुर से दे रहे हैं। 9 महिलाओं के आकाशीय बिजली की चपेट में आने की यहां पर जानकारी सामने आई है, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 7 महिलाएं झुलसी हैं, जिनका इलाज जारी है।